नमस्कार, कृषि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आज के प्रमुख कृषि समाचारों में है, सरसों की जीएम प्रजाति, आम के बागों से चारा उत्पादन, किसान दिवस का आयोजन, उत्तर प्रदेश में गन्ना पेराई प्रारंभ, मधुमेह रोगी भी खा सकेंगे चावल, धान खरीद केंद्रों पर किसानों को मिले सहूलियतें, स्थापित हुई पारदर्शी सेवा मशीन। किसान भाइयों, अब कृषि समाचार विस्तार से। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक वैज्ञानिक ने सरसों की एक जीएम किस्म धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 का विकास किया है। उन्होंने कहा है कि यह किस्म तमाम परीक्षणों में सफल पाई गई है। उन्होंने इसके कमर्शियल उपयोग के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के जेनेटिक कमेटी के पास अप्रूवल के लिए भेजा है। किसान भाइयों, जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें वे होती हैं जिन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से प्रयोगशाला में उनके जीन्स में बदलाव करके तैयार किया जाता है। इन्हें बीटी फसलों के नाम से भी जाना जाता है। ये फसलें ज़्यादा पैदावार देती हैं और ज़्यादा पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। इनमें कीट, बीमारियों, सूखे पाले और खारे पानी आदि से बचने की क्षमता होती है। सरकार ने गत वर्ष 200 से ज़्यादा जीएम फसलों जैसे गेहूं, धान, मक्का, ज्वार आदि के फील्ड ट्रायल की स्वीकृति दी थी। कर्नाटक राज्य आम उत्पादन में एक अग्रणी राज्य है। आम पूरे वर्ष सिर्फ एक फसल देता है और इसके बाद आम के बाग प्रायः खाली पड़े रहते हैं। यहाँ के आम बागान किसान आम के बगीचों से पशुओं के लिए हरा चारा उत्पादन करके अतिरिक्त आय अर्जित कर रहे हैं। आम के बागों में प्रायः 10x10 मीटर की दूरी पर आम के पौधे लगाए जाते हैं। इस प्रकार दो वृक्षों के बीच की 7 से 8 मीटर की खाली भूमि में आराम से चारा उत्पादन किया जा सकता है। कर्नाटक में लगभग 90,000 हेक्टेयर क्षेत्र में आम का उत्पादन होता है और यहाँ से प्रतिवर्ष लगभग 40 लाख टन पशुओं का हरा चारा हर साल लिया जाता है। चारा उत्पादन में कर्नाटक के किसानों की भागीदारी में भारतीय चारागाह और घास अनुसंधान केंद्र धारवाड़ द्वारा उन्नत घास की किस्मों को उगाने के लिए प्रेरित किया गया। किसान भाइयों, उत्तर प्रदेश में भी पर्याप्त मात्रा में आम के बाग हैं। यहां के आम बागान मालिक आप सीजन में बाग की बेकार भूमि से चारा उत्पादन करके अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। कृषि विभाग रायबरेली और इफ्को के संयुक्त तत्वावधान में पिछले दिनों रायबरेली के चैपुरा अमावा में किसान दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि थे रायबरेली के उप कृषि निदेशक। उप कृषि निदेशक ने इस अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए पारदर्शी किसान सेवा योजना के तहत जिले के सभी किसानों को अपना पंजीकरण कराने का आह्वान किया। इस मौके पर गेहूं की बुआई के लिए खेत की तैयारी, उर्वरकों का प्रयोग, बीज शोधन, बुआई के लिए बीज की मात्रा आदि विषयों पर किसानों को जानकारी दी गई। इफ्को के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक ने किसानों को उर्वरकों के संतुलित प्रयोग और उससे होने वाले लाभ पर जानकारी दी। उन्होंने किसानों से कहा कि किसान भाई मृदा परीक्षण जरूर कराएं, इससे उन्हें अपने खेत की उर्वरा शक्ति के बारे में पता चलेगा। रायबरेली के जिला कृषि अधिकारी ने कहा कि जिले में पर्याप्त मात्रा में बीज और उर्वरक उपलब्ध हैं। जिले के किसान भाई इन्हें प्राप्त करें और समय से रबी फसलों की बुआई करें। उत्तर प्रदेश की निजी चीनी मिलें 20 नवंबर तक गन्ना की पेराई प्रारंभ कर दें। निजी क्षेत्र की 2 और सहकारी क्षेत्र की 2 चीनी मिलों में पेराई शुरू कर दी गई है। शेष बची सहकारी चीनी मिलों में 15 नवंबर तक पेराई शुरू कर दी जाएगी। पिछले दिनों राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य निर्धारण समिति की एक बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने कहा, गन्ना किसान और चीनी मिल मालिक दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इनमें सामंजस्य का अभाव नहीं होना चाहिए। चावल मधुमेह से ग्रसित लोगों के लिए वर्जित होता है। ऐसे रोगी प्रायः चावल खाने को तरसते हैं, लेकिन अब चावल की ऐसी प्रजातियां विकसित की गई हैं जिन्हें मधुमेह से पीड़ित लोग भी खा सकेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के तत्वावधान में तेलंगाना के हैदराबाद स्थित भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान ने चावल की 3 प्रजातियों को विकसित करने में सफलता पाई है जिन्हें डायबिटीज के रोगी भी खा सकेंगे। संस्थान के निदेशक के अनुसार चावल की 3 किस्में लालच जी आई 5317, BPT 5204 और संपदा जी आई 51 चावल की यह प्रजातियां मधुमेह के रोगियों के लिए नुकसानदायक नहीं हैं। प्रदेश में धान खरीद केंद्रों पर किसानों को हर तरह की सहूलियतें मिलें, उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो, सभी क्रय केंद्रों पर पर्याप्त बोरे हों और इलेक्ट्रॉनिक तराजू जैसे सभी साधन होने चाहिए। धान क्रय केंद्रों पर अगर किसानों को परेशानी होगी तो संबंधित लोगों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। धान खरीद की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त लखनऊ ने कहा कि धान खरीद के लिए लखनऊ मंडल में कुल 287 धान क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें लखनऊ में 13, सीतापुर में 54, लखीमपुर में 110, हरदोई में 43, उन्नाव में 19 और रायबरेली में 48 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। अभी तक 55,897 मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है, जबकि इस साल 3,87,438 मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। किसान भाइयों को खेती किसानी और खेती से संबंधित योजनाओं की जानकारी देने के लिए जिला बस्ती के कृषि भवन में संचार सुविधाओं से लैस पारदर्शी किसान सेवा मशीन लगाई गई है। टच स्क्रीन सुविधा वाले इस मशीन से किसानों को फसलों में लगने वाले कीट, बीमारियों की रोकथाम,
बीजों की प्रजातियां, उर्वरक की मात्रा आदि की सही जानकारी मिल सकेगी। इस मशीन से किसानों को सीजन के हिसाब से फसलों की जानकारी सिर्फ उंगली से टच करने पर मिल सकेगी। इसके अलावा फसल बोने के लिए खेत की तैयारी कैसे करें, फसल के लिए मिट्टी, उर्वरक की मात्रा, सिंचाई, भंडारण सहित तमाम जानकारी हासिल हो सकेगी। निश्चय ही यह मशीन जिले के किसानों के लिए लाभकारी साबित होगी। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद अब आइए जानकारी लेते हैं खेती किसानी की समसामयिक बातों की। किसान भाइयों, पके धान की कटाई शीघ्र करें। यदि कटाई हार्वेस्टर से कर रहे हैं तो फसल अवशेष को खेत में न जलाएं, इससे भूमि की उर्वरा के लिए उपयोगी सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। बेहतर होगा इन अवशेषों को पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग करें अथवा इन्हें खेत में सड़ाकर खाद बनाएं। किसान भाइयों, गेहूं की अच्छी पैदावार पाने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जैसे शुद्ध और प्रमाणित बीज की बुआई, बीज शोधन के बाद करें, प्रजाति का चयन क्षेत्रीय अनुकूलता और समय विशेष के हिसाब से करें, हर तीसरे साल बुआई का बीज बदल दें, उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर करें, यथासंभव जीवाश्म खादों का प्रयोग करें, बुआई जीरो टिलेज और रेज्ड बेड विधि से करें, क्रांतिक अवस्थाओं पर समुचित और समय पर सिंचाई करें तथा रोग कीटों के प्रकोप से फसल को बचाएं। गेहूंसा का प्रकोप होने पर समय से नियंत्रण करें। किसान भाइयों, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिंचित क्षेत्र होने पर जौ की बुआई 25 नवंबर तक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा बुंदेलखंड में 30 नवंबर तक पूरी कर लें। बुआई के 15 से 20 दिन के बाद सरसों के घने पौधों की छटनी कर पौधों की आपसी दूरी 15 सेंटीमीटर करके विलीकरण कर दें। बुआई के 5 सप्ताह बाद पहली सिंचाई करें। किसान भाइयों, आलू की बुआई शीघ्र करें। आलू की कुफरी बहार, कुफरी बादशाह, कुफरी अशोका, कुफरी सतलज, कुफरी आनंद तथा लाल छिलके वाली कुफरी सिंदूरी, कुफरी लालिमा जैसी प्रजातियों की बुआई करें। सब्जी मटर की बुआई भी जल्द करें। आर्किल, आजाद P1, आजाद P3 मुख्य प्रजातियां हैं। किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार, समसामयिक कृषि कार्य। अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे खेतीबाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए हमें अनुमति दें, नमस्कार। मेरे साथ बोलो ए, ए, बी, बी। अरे नादान, बच्चे को ABC सिखा रहा है। अरे काम धंधे की ABC तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36% से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की के तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, एनएचएम बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10% से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, नमस्कार। कृषि समाचारों के बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। भाइयों, कहा जाता है कि आलू सब्जियों का राजा होता है और अगर आलू की हम वैज्ञानिक ढंग से खेती करते हैं तो निश्चित रूप से हमें अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आलू की खेती में किन किन बातों का ध्यान रखें, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर MP यादव, संयुक्त निदेशक
उद्यान निदेशालय लखनऊ से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो किसान भाई हमारे आलू की खेती करना चाह रहे हैं, वो किस तरह की मिट्टी का चुनाव करें? किसान भाइयों, आलू की वैज्ञानिक खेती करने के लिए बलुई दोमट भूमि जो कि जीवांशयुक्त हो और उसमें पर्याप्त मात्रा में उर्वरक आदि की मात्रा हो और उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद हो, तब वो भूमि जो है आलू के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। और जी किसान भाई, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बलुई मिट्टी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें आलू के कण अच्छे विकसित होंगे। डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई मिट्टी के चुनाव की, अब बात करते हैं उर्वरक प्रबंधन की कि किस तरह से हम आलू की फसल में उर्वरक प्रबंधन करें। आलू के लिए उर्वरक का प्रबंधन जो होता है, हमें 20 से 25 टन सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए और उर्वरक के रूप में 120 किलोग्राम नत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 100 किलोग्राम पोटास की मात्रा होनी चाहिए जी। और इसमें से उर्वरक की जो मात्रा है नाइट्रोजन की, उसमें से आधी मात्रा का प्रयोग जो है खेत में आलू की बुआई के समय ही उसका प्रयोग कर देते हैं, और फास्फोरस और पोटास की जो मात्रा होती है पूरी मात्रा जो है बुआई के समय उसका भी प्रयोग कर दिया जाता है जी। कहने का मतलब है कि फास्फोरस और पोटाश हम बुआई के समय दे देते हैं और नत्रजन आधी बाकी रखते हैं क्योंकि बाद में भी हमें देनी होती है। डॉक्टर साहब, अगर आलू की अच्छी फसल लेनी है तो कौन कौन सी ऐसी प्रजातियां जिनका हम चुनाव करें? कहा जाता है कि आलू में कुछ अगेती प्रजातियां भी होती हैं, कुछ मध्यम होती हैं, कुछ पिछेती होती हैं, तो आप इन पर कुछ प्रकाश डालिए। हाँ किसान भाइयों, आलू की खेती करने के लिए वैज्ञानिक खेती करने जा रहे हैं तो उसमें हमें प्रजातियों का जो है चयन करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जी। इसमें दो तरह की हमारी प्रजातियां होती हैं, एक सफ़ेद प्रजाति होती है और एक लाल प्रजाति होती है। लाल प्रजाति में जो है ये कुफरी सिंदूरी और कुफरी लालिमा प्रजाति है जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए ये प्रजाति जो है अच्छी मानी जाती है जी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कुफरी अलंकार है, कुफरी बादशाह है, कुफरी बहार है, कुफरी सतलज है, कुफरी देवा है, कुफरी चंद्रमुखी है, ये प्रजातियां जो हैं प्रयोग की जाती हैं सफ़ेद प्रजातियों में जी। डॉक्टर साहब, ये तो बात आपने प्रजातियों की बताई, अगर किसान भाई प्रजातियों का चुनाव कर लेते हैं तो क्या बीज उपचार भी महत्वपूर्ण है आलू की खेती? हाँ, किसान भाइयों, आलू की बुआई से पूर्व बीज का उपचार बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप लोगों ने देखा होगा किसान भाइयों ने कि एक जो होता है आलू में ऊपर चेचक की तरह से जो है धब्बे आ जाते हैं, खुरदरापन आ जाता है जी। और दूसरे तरह का जो बीमारी होती है वो आलू काटने के बाद काला काला उसमें दिखाई पड़ता है जी। तो इसको उपचारित करने के लिए बोरिक एसिड 0.3% का मिश्रण बना करके घोल बना लेते हैं और उसे ट्रीट कर देते हैं, तो इस तरह से इन बीमारियों से जो है निदान मिल जाता है। डॉक्टर साहब, अगर किसान भाइयों ने घोल बनाया है बीज उपचार करने के लिए तो क्या कुछ समय अवधि है कि कितनी देर तक बीज को डुबोए रखें उसमें या ऐसा कुछ करें? बस डुबो करके इसके बाद निकाल देना चाहिए जी। हाँ, इसके बाद जो है उसको छाया स्थान में रख करके उसको फैला देना चाहिए। किसान भाइयों, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब ने बात बताई कि अगर हमें आलू से अच्छी खेती करनी है तो बीज उपचार बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, अब बात आती है कि हमने बीज उपचार कर लिया, प्रजातियों का चुनाव कर लिया, अब बुआई का तरीका सर्वोत्तम क्या है कि लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखें, बीज से बीज की दूरी कितनी रखें? ये बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि बीज की बुआई के लिए दूरी और पौधे से पौधे की दूरी के लिए जो है वो प्रॉपर यानी सही दूरी होनी आवश्यक होती है जी। तो पौधे से पौधे की दूरी जो है 15 से 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए यानी बीज से बीज की दूरी, और लाइन से लाइन की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर की होनी चाहिए यानी 50-60 तक भी ले सकते हैं जो है, उसके साइड के ऊपर डिपेंड करता है जो है जी, जी। कहने का मतलब बीज का आकार जो है आकार के ऊपर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और महत्वपूर्ण बात उठती है, कई बार किसान भाई कुछ ऐसे होते हैं जो बीज काट के बोते हैं, टुकड़े बोते हैं, आंख बना लेते हैं, कुछ लोग समूचा आलू बो देते हैं, तो उत्तम क्या है इसमें? देखिए, इसमें दो तरह से हम खेती करते हैं, जो अगर हमको आलू का बीज बनाना होता है तो सबूत आलू ही बोना चाहिए जी, और यदि हम खाने के पर्पज से आलू की खेती करने जा रहे हैं तो अगर बीज बड़ा है तो उसे हम दो एक आंख का उसे काट करके जो है टुकड़ों में लगा सकते हैं।
डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया बात बताई कि ये ध्यान रखने वाली बात है, किसान भाई कई बार समझ नहीं पाते हैं कि अगर हमें बीज के लिए खेती करनी है तो साबुत आलू बोना है और खाने के लिए तो हम टुकड़े कर भी सकते हैं। डॉक्टर साहब एक और महत्वपूर्ण बात है कि आलू में मिट्टी चढ़ाने का एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु होता है, तो पहली बार मिट्टी कब चढ़ाएं? देखिए बुआई के एक सप्ताह बाद जो है हम सिंचाई कर देते हैं, और जैसे ही आलू पूरा उग आता है खेत का, पूरी तरह से जमा हो जाता है, तो खेत की गुड़ाई कर लेते हैं और इसके बाद जो मिट्टी का उस पर मेढ़ों पर चढ़ा देते हैं, पहली मिट्टी चढ़ा देते हैं। पहले मिट्टी चढ़ा देते हैं डॉक्टर साहब, मिट्टी चढ़ाने से पहले या मिट्टी चढ़ाने के बाद जब फसल हमारी छोटी होती है तो कौन कौन से ऐसे रोग बीमारियां कीड़े हैं जो प्रारंभिक अवस्था में लग जाते हैं आलू में? तो किसान भाई इसके लिए हमें पहले से ध्यान रखना होता है कि हमारी फसल जब बुआई के 45 दिन 45 दिन की हो जाती है तो उसके लिए हमारे लिए उसको दवा का प्रबंधन करना पड़ता है हमको, और ये इसमें जो पछेती झुलसा जो होता है उसके लिए मिंकोजेब जो कि फफूंदी नाशक रसायन होता है, और इसकी 2.5 से 3 किलोग्राम मात्रा को जो है हम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका जो छिड़काव कर देते हैं 42 दिन की फसल होने पर पहला छिड़काव। 2.5 से 3 किलोग्राम देते हैं मात्रा जो है। डॉक्टर साहब पानी कितना रखेंगे इसमें? पानी 1000 लीटर जो है जी, 1000 लीटर 2.5-3 किलोग्राम दवा 1000 लीटर पानी में लेकर के छिड़काव कर सकते हैं। पछेती झुलसा 800 से 1000 लीटर। डॉक्टर साहब कई बार यह संदेह उत्पन्न होता है कि पछेती अगेती झुलसा, तो जो पहले झुलसा लगता है उसको पछेती झुलसा बोलते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया बात आपने बताई कि पछेती झुलसा का प्रबंधन हम किसान भाई कर ले। इसके बाद आती है नतजन जो बाकी रह गई थी हमारी, क्योंकि अधी आपने बताया था कि अधी मात्रा रोक लेते हैं, तो दोबारा नतजन का प्रयोग कब करते हैं? दोबारा नतजन का प्रयोग जो हमारा जो आधी मात्रा जो रह जाती है उसको जब हम पहली जो सिंचाई करते हैं तो उसको गुड़ाई करना होता है, तो छिड़काव करके जो है ट्रॉप ड्रेसिंग करके ही जो है उसको मिट्टी चढ़ाते हैं, और 2% का थोड़ा बहुत कुछ रोक लेते हैं तो उसको फोलियर यानी छिड़काव के रूप में उसका प्रयोग कर लेते हैं। कहने का मतलब कि दानेदार छिड़काव नहीं करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। डॉक्टर साहब एक समस्या और आ जाती है, कई बार देखा जाता है कि जब किसान भाई आलू पैदा करते हैं तो आलू में हरापन आ जाता है, उसका बाजार में भाव भी कम मिलता है, खाने में भी उसका स्वाद अच्छा नहीं होता, तो ये दिक्कत क्या है और कैसे किसान भाई इसको बचाएं? हाँ इसके लिए किसान भाई को यह देखना चाहिए कि जो हमने मिट्टी जो चढ़ाया है खेत में गुलों पर, वो अगर वो कम चढ़ी हुई है मिट्टी तो उसको जो है अच्छी तरह से गुलों पर मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए, जिससे कि जो आलू का कंद है पूरी तरह से अच्छी तरह से ढंक जाए। जो है अच्छी तरह से जब ढंक जाता है तो उसमें जो है ये हरापन नहीं आ पाता है। आप जानते हैं कि आलू जो है एक तना होता है, आलू का कंद जो होता है तने के उसमें श्रेणी में रखा गया है, तो ये फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण करने लगता है जिसकी वजह से वो हरा हो जाता है। इसलिए किसान भाइयों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमारा कंद दिखाई दे रहा है उसको मिट्टी से ढक देना चाहिए, तो इस तरह से हम उसको हरा होने से बचा देते हैं और उसको मार्केट में उस आलू की अच्छी कीमत मिलती है। बहुत बढ़िया बात बताई डॉक्टर साहब ने कि कई बार होता है कि किसान को पता नहीं था, बहुत सारे किसान भाई समझते हैं कोई बीमारी है, लेकिन आलू का सीधे प्रकाश से संबंध न हो तो हरापन नहीं आएगा। डॉक्टर साहब एक बात और है कि बात पछेती झुलसा की हमने पहले कर ली थी, अगेती झुलसा की स्थिति कब पैदा होती है आलू में? हाँ अगेती झुलसा जो होता है ये दिसंबर के महीने में, दिसंबर जनवरी का जब महीना होता है तो उस समय ये बूंदाबांदी जब होती है आसमान में, तो मौसम कई दिन तक जब बूंदाबांदी का बना रहता खराब है, खराब हो जाता है, धूप नहीं होती है, तो उस समय ये बीमारी आती है जो है, और इसकी पहचान ये होती है कि पत्तियां जो है ये किनारे किनारे से झुलसने लगती हैं जो है, दाग तो, हाँ तो उसके लिए यही फफूंदी नाशक जो रसायन हमने 42 दिन पहला जो छिड़काव किया है उसी को दूसरा और तीसरा 15-15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहना चाहिए, तो इस तरह से हम उस झुलसा की जो बीमारी आती है हमारी झुलसा की इसको बचाया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि हमको बीमारी का इंतजार नहीं करना चाहिए, सुरक्षात्मक छिड़काव हमें कर देना चाहिए जैसा डॉक्टर साहब ने बताया। डॉक्टर साहब ये तो हो गई झुलसा की बात, क्या इसके अलावा कोई और भी बीमारियां लग सकती हैं आलू के कंद में या फिर उसकी पौध पर? हाँ पौध में जैसे जो है हमको अगर बीज बनाना होता है आलू के लिए, गुणवत्तायुक्त बीज हम बनाने अगर जा रहे हैं तो उसमें ये एफिड्स जो होती है जो है माहू जो कीट होती है वो जो है उसमें आ जाती है जनवरी के महीने में जो है जी, तो उसमें जो है हमें इंसेक्टिसाइड का जो तीसरा छिड़काव अगर हम कर रहे हैं मैंकोजेब का तो उसी में मिश्रण बना करके जो है इंसेक्टिसाइड का जो है। डॉक्टर साहब यहाँ पर एक स्थिति किसानों की समझ में कई बार भ्रम हो जाता है कि हम मैंकोजेब के साथ में कोई कीटनाशक इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं कर सकते? नहीं करना चाहिए जो है, क्योंकि हमारी जो है उसी से मतलब मिश्रण बना देने पर जो है कोई नुकसान नहीं है और इससे हमारी लेबर की बचत हो जाती है।
डॉक्टर साहब, हम किसान भाई जो हैं दो तरह से आलू पैदा करते हैं, एक तो बीज के लिए और एक खाने के लिए। तो खाने के लिए आलू की खुदाई कब करें और बीज की जो है पैदावार के लिए कितने दिन बाद खुदाई करें? देखिए किसान भाइयों, आप सब लोग ये जानते हैं कि अगर हमें आलू खाने के लिए हम पैदा किए हैं, पैदा उगा रहे हैं वैज्ञानिक तरीके से, तो बाज़ार भाव देख करके हमको जो है करना चाहिए। जो है अगर बाज़ार में अच्छे रेट हैं, आलू तैयार हो गया है, तो निसंकोच जो है निसंदेह उसकी खुदाई करके उसको बाज़ार में बेच देना चाहिए, जिससे कि हमको अधिक से अधिक उसका लाभ मिल जाए। जी, तो इस बात का जो है ध्यान रखना चाहिए बाज़ार के भाव के ऊपर जो है। जी, और बीज के लिए? और बीज के लिए जो फरवरी के महीने में जो है हमारी फसल 120 दिन की जब हो जाए, तो उसको जो है जनवरी के महीने में 15-16-17 जनवरी के आसपास उसकी कंद जो होती है उसको मजबूत होने के लिए, छिलका मजबूत होने के लिए, या कीड़े मकोड़े जो होते हैं जैसे एफिड से माहू है जो बीमारियों को करियर का काम करते हैं, पहुँचाने का काम करते हैं एक दूसरे तक जो है, तो उसकी लाग को जो होती है वाइंस को जो है लता को जो काट देते हैं जो है। तो इस तरह से जो है इस बात का जो है ध्यान रखना पड़ता है कि यदि हम बीज बनाने के लिए आलू की खेती कर रहे हैं तो उसकी लता को जो है 16-17 जनवरी के आसपास काट देना चाहिए, जिससे जो है बीमारियों का जो है उससे कंट्रोल जो है कम हो खत्म हो जाता है जो है। डॉक्टर साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, आलू की खेती के बारे में किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खेती किसानी की जानकारी के बाद अब नज़र डालते हैं मौसम समाचार पर। नवंबर का दूसरा पखवाड़ा शुरू होने वाला है, लेकिन वातावरण में अपेक्षित ठंड नहीं है। हालांकि गत दिनों आए पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में अब थोड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सुबह और शाम के तापमान में गिरावट महसूस की जा रही है। दिन के तापमान में गिरावट की गति धीमी है। सुबह शाम हल्की धुंध छाए रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में आसमान के साफ रहने लेकिन सुबह शाम हल्की धुंध छाए रहने की संभावना जताई है। ऐसे समय में किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मौसम शुष्क रहने की संभावना को देखते हुए गेहूं की बुआई के लिए तैयार खेतों में पलेवा करने के साथ ही साथ बुआई की तैयारी करें। यदि खेत में ओट आ गई हो तो गेहूं की बुआई करें। इस मौसम में जई और बरसीम की भी बुआई की जा सकती है। किसान भाइयों, तापमान को देखते हुए चना, मसूर और आलू की भी बुआई में विलम्ब न करें। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आज आसमान साफ रहेगा। आज का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 14 नवंबर को आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। 15 नवंबर को भी आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे, लेकिन मौसम सूखा रहेगा। आज सूर्योदय प्रातः 6:24 पर और सूर्यास्त शाम 5:16 पर होगा। तो ये थे मौसम समाचार। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।